यहाँ पर बलि प्रथा भी थी पहले जी। हाँ जी, तो इनको देखकर पता चलता है यहाँ पर पहले बलि प्रथा भी थी। क्या अभी कभी साल में एक बार होती है? होती रहती है। अभी जय हो, यहीं से माता रानी अगली बार बुलाए। बर्फ पड़ती है तब आप आते हो फिर यहाँ पे? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टबन जनरेशन। तो आज हम आए हैं हडिम्बा माता के टेंपल पर। हम पहले मनाली में स्टे कर रहे थे नटराज होटल में, तो वहाँ से हम आए। यहाँ की दूरी वहाँ से तकरीबन 20 मिनट की भी नहीं है। तो मनाली माल रोड के साथ ही ऊपर को रास्ता चढ़ता है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ का इतिहास कुछ इस प्रकार है, जब पांडव कौरव से छुपकर बाहर घूम रहे थे तब उन्होंने इस वन इस जंगल में प्रवेश किया था, मनाली जंगल में, जिसे हम आजकल मनाली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ का राजा हुआ करता था हडिम्ब और उनकी बहन थी हडिम्बा। तो जब वो यहाँ पर प्रवेश किया तब उनका युद्ध भीमसेन का हडिम्ब से हुआ, तो उनको हराकर यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और यहाँ की प्रथा ये थी कि जो भी हडिम्ब को हराएगा उसे उनकी बहन से शादी करनी पड़ेगी, मतलब कि हडिम्बा माता से उनको शादी करनी पड़ेगी। पर वो इंसान थे और ये राक्षस, तो हडिम्बा माता ने उनसे ये कहा आप यहाँ पर जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती आप यहाँ रुक जाओ और उसके बाद आप चले जाना। तो एक पुत्र की प्राप्ति के बाद हडिम्बा माता ने उनको जाने के लिए कहा और उनका पुत्र का नाम घटोत्कच है। और जब उन्होंने कहा कि अब आप जाने के लिए फ्री हो तो कुंती माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको यहाँ पर हमेशा माता के रूप में पूजा जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर हडिम्बा माता का टेंपल है और साथ में ही घटोत्कच जी का भी टेंपल है। ये देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सलून जाते हैं ये, इन्होंने बहुत ही सुंदर रखे हुए, इनकी बहुत बढ़िया परवरिश करते हैं ये, याद है इनका नाम। और यहाँ पर आपको यहाँ इसकी राइडिंग मिल जाती है। भैया कितने में राइडिंग है इसकी? 200 रुपये इसमें। ओके, देखिए सीन कितने देखने में थोड़े डेंजर लग रहे हैं पर बहुत क्यूट है ये। उसने बाल रिबॉन्डिंग कराए हैं, इसने कर्ल डलवाए हैं। तो यहाँ पर यहाँ की ड्रेस पहनकर भी आप फ़ोटो वगैरह करवा सकते हो और खरगोश वगैरह भी हाथ में पकड़ के फ़ोटो करवा सकते हो। बहुत एक्टिविटीज हैं यहाँ पर भी। ये राजस्थानी संगीत, ये यहाँ के लोकल फ्रूट्स और ये हाथ से बनी हुई कोटी वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हो, टोपी वगैरह भी ये आपके सामने ही बुन रहे हैं हैंडमेड। ये रहा माँ हडिम्बा देवी का टेंपल, ये देखिए लाइनें लग चुकी हैं पहले ही। टेंपल आने के प्रवेश द्वार कई हैं, नीचे भी है, इधर ऊपर भी है और इसके नीचे भी है, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। पैदल वाले ज़्यादातर इधर से आते हैं और गाड़ी पार्किंग करके उधर से आते हैं। और ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है अभी, तो हम भी लाइन में लगेंगे और माता हडिम्बा देवी के दर्शन आपको करवाएंगे अगर हो सके तो। यहाँ पर सजावट कुछ इस प्रकार की गई है माता के मंदिर की। जय हो माँ हडिम्बा। छोटे छोटे बच्चे भी ड्रेसअप होकर फोटो करवा रहे हैं और उनके मम्मी पापा भी साथ में। जय हो, यहीं से माता रानी अगली बार बुलाए। आ देखा तथास्तु। तो इनको देखकर पता चलता है यहाँ पर पहले बलि प्रथा भी थी, पर अब है या नहीं ये हमें नहीं पता। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर और बहुत पुराना है। अंदर कैमरा वगैरह लेकर जाना है तो आपको जितने दर्शन हो रहे यहाँ से। वो नीचे है माता हडिम्बा देवी।
जवान सब फोटो वगैरह करवाते हैं, बहुत खुशी से आनंद ले रहे हैं। बहुत ही एंजॉयबल मोमेंट है यहाँ पर सभी के लिए और खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। ये देखिए तो यहाँ पर खाने के लिए भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये फोटो करवाने के लिए। अरे ये कितने की है इससे फ़ोटो करवाने के लिए चार्ज? 30 रुपीज़ होंगे। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम चिंकू है। चिंकू और उसका? इसका चांकू। चांकू, चिंकू, चांकू, आप एक ही फैमिली से हो? अच्छा ठीक है। वाले जी मसाले वाले। और अभी हम करवा रहे हैं बेल पूरी। लाल मिर्च डालो, हरी डालो? हरी डाल दो। दोनों ही मिर्ची यहाँ पर मिल जाती हैं, हरी भी और लाल भी, जिस अकॉर्डिंग आप खाना चाहते हो, आपका टेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। हरी मिलेगा, लाल मिलेगा। स्टार्टिंग कितने से है भैया? 30 का, 40 का भाई, 50 का। ओके ओके, क्वांटिटी में फर्क हो जाएगा ना फिर? हाँ जी हाँ जी। आंटी आप लोकल हो? यहीं के हैं। लोकल ही हो, यहीं के हो। और यहाँ पर बर्फ कब से पड़नी शुरू हो जाती है? हर मौसम पड़ेगी अगले महीने से। अगले महीने से, दिसंबर से? ठीक है ठीक है। और हाँ जी, हाँ, हम रोहतांग जा रहे हैं। मिल गए बर्फ? हाँ, बहुत बर्फ थी वहाँ पे, तो हम बीच में जाकर, वो कल आज बंद हो गया, कल गए थे हम। बढ़िया रहा वहाँ पे भी एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया था। हाँ जी हाँ जी, 2-3 महीने तक आएंगे। हाँ जी हाँ जी, अभी 6 महीने का वो बोल रहे हैं बंद कर दिया, 6 मंथ के लिए ना। तो सही है। तो यहाँ पर जब बर्फ पड़ती है तब आप आते हो फिर यहाँ पे? ऐसे बैठते हैं, यहीं ऐसे बैठते हो? ओके। कितने डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर गिर जाता है? -5। ओके, कल रात को -4 था। हाँ, ये अल्लू अर्जुन भी अंकल के पास आए हुए हैं। तो अभी हम निकले हैं हडिम्बा माता से और साथ में है गटोत्कच जी का मंदिर। वहाँ है हडिम्बा माता का मंदिर और बाहर निकलते ही है यहाँ पे गटोत जी का मंदिर। जय गटोत्कच जी मंदिर। यहाँ के लोकल माता टेकने आए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है माँ हडिम्बा के सख्त आदेश अनुसार यहाँ पर टीन या अन्य किसी भी धातु से बने हुए घर का ना चढ़ाएं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जाता है। आप लोकल हो यहाँ पे? हर दिन आते हो पूजा करने? हफ्ते में एक बार। ओके ओके, तो क्या क्या प्रथा है यहाँ पे? मैं तो वैसे अभी नया ही हूँ शिमला का, मैं तो। ओके ओके, मेरी मम्मी वगैरह रहते हैं मेरा कॉलेज में, ये लोकल यहाँ का बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पर पूजा की प्रथा क्या है? जो आप विश मांगते हो ना? हाँ जी। जब वो पूरी हो जाती है, जैसे आप चढ़ाने का नया, जब क्या जैसी चीज आप, जैसे छुरी यहाँ पे, मतलब। हाँ जी, ये चढ़ी हुई किसी ने? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे आप चीज मांग रहे हो कुछ, तो वो आपकी मतलब पूरी हो जाएगी। अच्छा, छुरी चढ़ाने से? हाँ जी, लोहे की चीज से, कोई सी चीज। ओके ओके ठीक है। तो जब पूरी हो जाती है फिर भी आना होता है? हाँ जी। फिर क्या चढ़ाना? एक और चढ़ानी पड़ती है छुरी, एक और चढ़ानी पड़ती है। ओके, यहाँ पर बलि प्रथा भी थी पहले? जी हाँ जी। तो अभी बंद हो गई है ना? या अभी कभी साल में एक बार होती है? हाँ, अभी होती रहती है। होती रहती है अभी भी? ठीक है। आप ब्लॉगर भी हैं? हाँ जी हाँ जी भैया। चलो, आपका नाम क्या भैया? विशाल। ठीक, आपका भैया? अमन मानिक। अमन मानिक। आपका? सुमित। सोनू। ओके ओके, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, नाइस टू मीट यू। तो आज का व्लॉग यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, आगे हम जाते हैं मनु टेंपल में, जिसके नाम पर मनाली का नाम पड़ा है। से जो दुनिया है, हाँ जी, शुरू हुई है। जब वो नाव रुकी थी तो जो टेंपल है, हाँ जी, तो वहाँ नाव रुकी थी।